Yes, dear students, now we will at the end of the this marathon functions जो हमने देखा function के बिल्कुल last वाले segment में drill करेंगे. ठीक है, यहाँ पे है question methods to check the mapping, यानी किसी भी function का one one, on to, many one और into function कैसे check करते हैं. तो मैंने यहाँ पहले लिखा है injective को आप one one भी कहते हैं, कभी कभी injective subjective word use होती है, तो ध्यान रखना है वन वन फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन. तो वन वन फंक्शन चेक करने के लिए एक तरीका होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया तो वो वन वन फंक्शन होगा. ठीक है, लेट से अगर मैं लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, तो अगर मेरा एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है अगर, तो मैं एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्रूफ कर दिया, देन इट इज वन वन फंक्शन. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पहला मेथड कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है, तो अगर एक्स इक्वल टू वाई कर दें आप, एक्स इक्वल टू वाई निकाल दें, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई है तो फंक्शन वन वन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया. ठीक है, दिस इज वन वे. सेकेंड है ग्राफिकली, नो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट. ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है ऐसा, ये पैराबोला है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन है, तो ये दो जगह कट कर रही है, देन इट इज नॉट दिस फंक्शन y square x square equals to 4ay जो है, this is not a what? It is not a one one function. ठीक है, दो जगह नहीं करना, कट करना चाहिए किसी भी कर्व को, and the line which is parallel to x axis. ठीक है, that is second method graphically जब कभी करना हो. Third है f dash x greater than equals to zero या less than equals to zero, जिसको आप increasing और decreasing भी terminology कहते हैं, और वो x उस domain पे होने चाहिए. तो x की डोमेन की वैल्यूज पे अगर f dash x, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ रही है तो वो फंक्शन वन वन है, या लेस देन इक्वल्स टू जीरो आ रही है तो भी वो क्या है, वन वन है. ठीक है, तो ये तीन टूल है जिससे आप वन वन मैपिंग चेक करते हैं. नेक्स्ट है, मैंने लिखा है नंबर ऑफ फंक्शंस, ऑन टू इन टू भी बता रहा हूं मैं कैसे चेक करते हैं. नंबर ऑफ फंक्शंस होता है r टू द पावर n. ये r और n क्या है, लेट से मैंने एक फंक्शन लिया x टू y, x के एलिमेंट है x1, x2, xn तक, ये n एलिमेंट्स हैं यहाँ, n एलिमेंट्स, और यहाँ जो इसके जो इमेजेस हैं, जो कोडोमेन का पार्ट है, वो r एलिमेंट्स लिया है, r एलिमेंट्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे होती है, कोडोमेन के जितने एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर पावर होगी डोमेन के एलिमेंट का, तो r टू द पावर n, इट विल गिव यू नंबर ऑफ फंक्शंस. अगर पूछा गया एनडीए में एक फंक्शन के डोमेन ये है और कोडोमेन ये दी हुई है, ठीक है, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हुए, तो कैसे करना है डियर, आर क्या है, नंबर ऑफ कोडोमेन, एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, एंड आर इज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, सो आर टू द पावर एन से वी विल गेट नंबर ऑफ फंक्शंस. फाइन, अब हमें वन वन फंक्शन भी ढूंढने आते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है हाउ मेनी नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, तो इसके लिए फॉर्मूला है आर सी एन इन टू फैक्टोरियल एन, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन. ठीक है, अगर r लेस देन n हुआ, r मीन्स कौन से r हो गए, r हमारा कोडोमेन, कोडोमेन अगर डोमेन से कम हुआ तो उसमें जीरो हो जाएगी वन वन फंक्शन. ठीक है, तो ये दीज सम रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एंड नंबर ऑफ फंक्शंस. ठीक है, वन वन के चेक के लिए तीन मेथड हो गया. नेक्स्ट आते हैं ऑन टू फंक्शन में, ऑन टू को सब्जेक्टिव भी कहते हैं. ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करना है, हमने ऑन टू के डेफिनेशन में देखा था कि रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ एक्स, रेंज और कोडोमेन सेम होने चाहिए. हमने देखा था ना कोडोमेन के सारे एलिमेंट के प्री इमेजेस बनने चाहिए, तो उसको हमने क्या बोला था, ऑन टू फंक्शन. ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए कोडोमेन में, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट उसके प्री इमेजेस होने चाहिए, तो उसको आप ऑन टू फंक्शन कहते थे, सब्जेक्टिव कहते हैं. तो ऑन टू फंक्शन चेक करने का क्या तरीका है, आप उस फंक्शन का रेंज निकालेंगे और कोडोमेन देखेंगे, अगर दोनों ही सेम हो गया तो वो फंक्शन ऑन टू हो गया, अगर नहीं हुआ तो वो इन टू हो गया. जैसे यहाँ वन वन अगर फंक्शन नहीं है तो वो मिनी वन है, ये ऐसे भी ऑल्टरनेट ध्यान होता है, या अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो वो मिनी वन होगा, अगर फंक्शन वन वन है तो फिर आगे हम सोच सकते हैं कि वन टू होगा या ऑन टू होगा या इन टू होगा. ठीक है, तो अगर ये वन वन है नहीं है तो ये मिनी वन हो सकता है, अगर ये ऑन टू नहीं है तो ये इन टू होगा. ठीक है, ऐसे भी ध्यान में रखना. सो जैसे एक एग्जांपल में ले लिया यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स,
फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो मैं वन डाला तो टू मिला, टू डाला तो फोर मिला, बट ये वन बाई टू और फाइव एलिमेंट ऐसे ही पड़ा रह गया, तो ये इन टू हो गया, ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि जो इसके रेंज है टू और फोर वो पूरी रेंज नहीं आ रही है को डोमेन की, इन सबके इमेजेस नहीं मिल रहे हैं, प्री इमेज नहीं है, वन बाई टू का प्री इमेज नहीं है, फाइव का प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, टू एक्स इज इन टू फंक्शन, ठीक है, दिस इज इन टू फंक्शन, ठीक है। तो हम कुछ दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं जिससे वन वन ऑन टू मेनी वन इन टू चेक करेंगे, ठीक है। तो ये भी इसका भी आप स्क्रीन शॉट लेके रख लें एज ए चार्ट, दिमाग में रहेगा आपको। सो नाउ वी विल चेक वन और टू फंक्शंस के वन वन ऑन टू इन टू कैसे चेक करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। नाम याद रखने का है, सब्जेक्टिव इज ऑन टू, वन वन इज इंजेक्टिव। नंबर ऑफ फंक्शंस, जैसे नंबर ऑफ रिलेशंस आपने लर्न रखा है उसी तरह नंबर ऑफ फंक्शंस भी याद रखना है। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस ही पूछते हैं, ऑन टू इन टू का नहीं पूछते, थोड़े वो रिजल्ट बड़े हैं, तो एनडीए में नंबर ऑफ वन वन पूछ सकते हैं या नंबर ऑफ फंक्शंस तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। आइए डियर अब चेक करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं हम डियर, वेदर इट इज वन वन ऑन टू मेनी वन। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल। सी कभी भी फंक्शन का वन वन ऑन टू इन टू चेक करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है किसमें फंक्शन डिफाइंड है, रियल टू रियल, नेचुरल टू नेचुरल, इंटीजर टू इंटीजर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर ध्यान आपको ज्यादा रखना है, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये किस तरह का फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आप पिक्टोरियल जा सकते हैं, दिस इज आर वन टू जीरो, अब एक्स स्क्वायर डाला जी वन तो वन, एक्स टू डाला तो फोर, जीरो डाला तो जीरो, या फाइव भी हो सकता है, हाँ सिक्स भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस टू ले लिया, माइनस वन ले लिया, करेक्ट। अब आप देखिए वन का इमेज वन आएगा, टू डाला तो फोर आया, जीरो डाला तो जीरो, माइनस टू डाला फोर, माइनस वन डाला वन, ये मेनी वन दिख रहा, ठीक है ना, दो दो इसके दो दो प्री इमेजेज हो रहे हैं, तो ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन तो कंपलसरी हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट को इमेज मिलना चाहिए, सो दिस इज फंक्शन एंड विच टाइप ऑफ फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, दिस इज डोमेन, दिस इज को डोमेन, तो को डोमेन के एलिमेंट है, आप इसमें बोलेंगे सर इसमें मेनी इंटू भी है, इंटू भी हो सकता है क्योंकि तो फाइव सिक्स रह जा रहा है, ठीक है ना, मेनी 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 वन एंड इंटू भी कह सकते हैं इस फंक्शन को, मेनी वन इंटू, इस फंक्शन को आप मेनी वन इंटू भी कह सकते, क्यों, इंटू आपको पता है ये कुछ एलिमेंट इधर में रह जाता है जिसके प्री इमेजेस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू, आर टू आर लिया फिर से, ठीक है, तो मैं एक बनाऊ सेट वन टू थ्री वन फोर एट में लिया, ठीक है, वन का इमेज इधर, टू का फोर, थ्री का एट, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं डेयर, ये वन वन तो दिख रहा है, इसका डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसका अपना अलग इमेज, इनका एक अलग अपना इमेज, ठीक है, डिस्टिंक्ट है सब इसके इमेजेस, तो ये वन वन कन्फर्म हुआ, वन वन इज देयर, ठीक है। अब देखते हैं ये ऑन टू है या नहीं, ऑन टू कैसे चेक हुआ, उसके लिए था कि रेंज के सारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए, इनके सारे इमेज मिलने चाहिए, दिख भी रहा है, या फिर इसका जो रेंज निकाल के अगर मैं इसको वाई एक्स क्यू बोलूँ तो एक्स क्या आ रहा है अपना क्यू थ रूट ऑफ वाई, ठीक है। अब यहाँ वन डालिए वन मिलेगा, फोर डालिए एट डालिए टू मिल जाएगा, ठीक है, ट्वेंटी सेवन डाल दीजिए ट्वेंटी सेवन यू विल गेट थ्री, ठीक है ना, फोर नहीं ट्वेंटी सेवन डालेंगे तो ऑन टू में कैसा होगा, हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई होना चाहिए, ठीक है ना, तो रेंज और कोडो में इक्वल आ गया, जब ऐसे इक्वल आ गया तो वो क्या होता है ऑन टू। और दूसरी बात, आपके सारे एलिमेंट जो मिल रहे हैं वो ऑक्यूपाइड होने चाहिए, यहाँ पे टू डाला तो ये एट होगा ना और ये ट्वेंटी सेवन, ठीक है, देखिए ट्वेंटी सेवन का क्यू थ्रू थ्री, एट का क्यू थ्रू टू, सब मिल रहा है,
तो ये वन वन और ऑन टू दोनों ही है, ठीक है। ये इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ, दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ, ठीक है डियर, क्लियर। इसके कोडोमेन और डोमेन सेम आ रहे हैं, यानी रेंज जो है वो इक्वल टू कोडोमेन है, फाइन डियर। सो ऐसे कुछ एग्जांपल को आप वन वन ऑन टू चेक कर सकते हैं, कुछ मेथड जो मैंने आपको बोला कि अगर वन वन प्रूफ हो गया और दूसरा ऑप्शन में ऑन टू नहीं दिया है, मेनी वन दिया है, वन वन नहीं है तो मेनी वन हो गया, ऑन टू है अगर तो वो इन टू नहीं होगा, इन टू अगर है तो वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सम्स को हैंडल कर सकते हैं, वन वन ऑन टू इन टू डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ प्रॉब्लम्स आप करेंगे, ग्राफिकल भी मैंने बोला, ग्राफ से भी देख सकते हैं आप, क्लियर। आइए नाउ एट द एंड वी विल डिस्कस कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एंड आई बिलीव दैट एरिया ऑल ऑफ यू विल वेल वर्स्ड, ठीक है। 11 में भी आपने बहुत किया है वो कंपोजिशन फॉग गॉफ फॉफ गॉग, दिस इज लाइक ए कोई फंक्शन है ए टू बी एंड दिस इज अनदर फंक्शन सी। सो अगर ए टू बी एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, ए टू बी एफ सच दैट, एंड बी से सी कोई जी डिफाइंड है बी टू सी, देन ए टू सी अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूं ए टू सी एच एक्स ले लिया कोई फंक्शन, सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सी इज एच एक्स इज जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसको आप जी ऑफ एफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ए टू बी एंड बी टू सी, तो ए टू सी इज अ कंपोजिशन, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में लिखा कंपोजिशन फंक्शन, फंक्शन जो है कंपोजिट मिक्स हो जाती है इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, है ना। साइन लॉग एक्स, देखिए आपको कैसा सुनने में लगा जब आप क्लास ट्वेल्थ में आए, कॉस लॉग एक्स, साइन इनवर्स यू नो टैन एक्स, टैन ऑफ लॉग एक्स, तो दीज आर ऑल कंपोजिशन फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मर्ज हुआ, वो किस तरह से, इनका डोमेन, इनका डोमेन रेंज, अब इन दोनों के लिए इनका रेंज डोमेन बन गया और ये रेंज हो गया। सो एच एक्स जो एक फंक्शन ए टू सी डिफाइंड हुई, तो पहले तो देखो डियर, पहले ये ए टू बी, अगर मैं ए टू बी बोलूं तो ये x है, यहाँ पे x का एलिमेंट है, तो ये y के एलिमेंट है, तो y इक्वल्स टू आप एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बी टू सी में अगर ये एलिमेंट आपके एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस रिलेशनशिप, इसको मैं एच एक्स बोल दूँ या कुछ ना, ये रिलेशन क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स, और यहाँ से यहाँ कैसे आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ये अगर मैं जी एक्स लिया और यहां से यहां करने के लिए क्या करना है, इसका इमेज इसके इमेज में, यानी ये जो जी है इसको कवर कर लेगा, ठीक है ना, ये जो एरिया आएगा वो रेंज आएगा, तो वो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, इस एफ एक्स का, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, दैट इज कंपोजिशन फंक्शन। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, जी एक्स इज लेट्स से टू एक्स, ठीक है। तो मुझे गॉफ चाहिए, जी ऑफ एफ एक्स क्या करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स करेंगे, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, जी एक्स टू एक्स है, तो जहां एक्स है वहां पे आप एक्स स्क्वायर प्लस टू डाल देंगे डियर, सो दिस वे यू विल गेट गॉफ। फॉफ, फॉफ कुछ भी निकाल सकते हैं, फॉफ एक्स, ये हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होती है, इस तरह की फंक्शन होती है 99% ये आइडेंटिटी, यानी एक्स ही देगा ऑलवेज, आइडेंटिटी फंक्शन इज वॉट, वाई इक्वल्स टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन होती है, उसका ग्राफ ये है, वाई इक्वल्स टू एक्स इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। फॉफ निकालना, अगर एफ एक्स है एक्स प्लस वन, तो फॉफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, देखिए आप एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो एक्स के जगह एक्स प्लस वन डालेंगे, प्लस वन तो ये आ गया एक्स प्लस टू, नॉट ने मैंने बोला 99% सेम होता है, बट इट इज ऑलवेज यहाँ पे देखो आइडेंटिटी नहीं बना, एक्स प्लस वन नहीं बना, तो कुछ जगह वो फॉफ जो है एक्स नहीं देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एफ ओ एफ जब निकालते हैं एक्स ही मिलता है आपको, कुछ प्रॉब्लम जब करने मिलेंगे कंपोजिशन फंक्शन के, देन यू विल फाइंड। सो आई बिलीव गॉफ फॉग में आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, एंड ऑल ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट इन दिस एरिया ऑल्सो, ठीक है डियर। सो विद दिस यू नो कंपोजिशन फंक्शन,
तो आज आपने जो पूरी टॉपिक सीखी है उसको वीडियो को अच्छे तरह से गो थ्रू कीजिए, पुराने वीडियोस को भी अच्छे से कनेक्ट कीजिए, अच्छे से उसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखिए और जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, डाउट हो वो पूछिए एंड होमवर्क के सम कंप्लीट कीजिए, सभी सम बनाने चाहिए, एक भी सम प्रॉब्लम्स मत छोड़िए, ठीक है? बिकॉज आई एम हियर टू सॉल्व ऑल दीज सम्स, जो भी आपको डाउट हो यू कैन सेंड मी, आई विल सॉल्व दोज सम्स। तो आज थोड़ा हैक्टिक हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे मैं सोचा था आज इस पूरी फंक्शन को कंप्लीट करूँगा, इट कैनॉट बी फिनिश्ड, ये तो बहुत बड़ा है फंक्शन, बट धीरे धीरे आप बहुत चीज़ें समझते जाएंगे वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शंस, पीरियड निकालना, चेक करना वन वन ऑन टू इन टू, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, डोमेन रेंज, ठीक है, ऑल दीज एरिया। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, गो थ्रू कीजिए वीडियो को और होमवर्क कीजिए, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।